सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका अपना कुलवीर सिंह स्वागत करता हूं जी आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो के लिए पहुंचे हैं जी गांव रायपुरा, तहसील अबोहर और डिस्ट्रिक्ट फाजिलका इस गांव को लगता है जी। वीडियो शुरू करने से पहले जिन मेरे भाइयों ने आप अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास वाला घंटी का बटन प्रेस कर दें। उससे क्या होगा कि आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगी। दोस्तों अपने चैनल के अभी तक के अगर इतिहास की बात करूँ तो आज पहली बार सिर्फ एक भैंस की वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं जी। नहीं तो इससे पहले जितनी भी वीडियोज़ आती हैं लगभग कम से कम 5-7 पशु तो होते हैं जिस भी घर में जाते हैं। आज स्पेशल वीडियो के लिए पहुंचे हैं। सामने जो भैंस आप लोग देख रहे हो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी भैंस, वो आप लोगों के लिए सेल के लिए अवेलेबल है जी। बातचीत आगे की करते हैं भाई सबके साथ और प्रॉपर डिटेल इस भैंस की, कितने दूध वाली है, क्या इसका रिकॉर्ड है जी, प्रॉपर डिटेल आगे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, कैसे हो भाई साहब? बहुत वधिया जी, बहुत अच्छी बात है जी। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है जी। गांव का एड्रेस और फोन नंबर भी बता दीजिए। पिंड रायपुरा, तहसील अबोहर, जिला फाजिलका। ओके जी। नंबर 9780805। ओके जी। भाई साहब अगर बात करूं तो अपने ये अबोहर से कितना रह जाता है गांव अपना? अबोहर तो 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर है जी। अबोहर से जो डब वाली रोड है जी उससे मेरे हिसाब से 2-3 किलोमीटर साइड पर है जी। 2 किलोमीटर साइड पर। अबोहर से डब वाली रोड से थोड़ा साइड पर रह जाता है जी गांव रायपुरा। रायपुरा। ओके जी। अगर बात करूं तो भाई साहब व्यापार का काम करते हो? हाँ जी। कितने के टाइम से कर रहे हो जी? 2-3 साल तो कर रहे हैं। 2-3 साल से पशु लेने। अच्छा, अभी शौक से कर रहे हो काम? जितने भी पशु आते हैं अच्छी क्वालिटी में आते हैं वो तो मेरे हिसाब से, जिन भी भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं देखकर मेरे को भी आइडिया हो गया और उन्हें भी देखकर आइडिया हो गया होगा, क्यों? क्योंकि ऐसी भैंसें हर बार देखने को नहीं मिलती जी। ओके, अगर भैंस की बात करूं तो कौन से ब्यांत में है जी? ये दूसरे ब्यांत से जाई। दूसरे ब्यांत में कितने दांत हो चुकी है जी? 4 दांत मुंह तो। 4 दांत दूसरे ब्यांत में, 4 दांत पहले ब्यांत में। तो बहुत छोटी ब्यागी होगी फिर। खारकी हुई है जी। अच्छा, अभी दूध के दांत जैसे खीरी बोल देते हैं जी, पहले ब्यांत में वैसे ही ब्यागी थी। अभी कितने दिन ले जाएगी और ब्यांत? 10 दिन कच्ची है जी। 10 दिन अभी और पड़े हुए हैं। और अगर रिकॉर्ड की बात करूं तो इसके कोई फादर वगैरह का है मालूम के? कौन? सिकंदर दी बच्ची है, लक्ष्मी डेयरी फार्म। लक्ष्मी डेयरी फार्म के सिकंदर की ये बेटी है जी। तो गबन है तुम्हारी। आगे कोहिनूर का सीमन इसके लगा हुआ है जी। ओके, पहले ब्यांत में कितना दूध जहाँ से आपने खरीदी कितना बताया गया? 18-19 किलो औरते आई है अपने को। 18-19 बताया गया कि पहले ब्यांत में। दूसरे में आपने कितनी उम्मीद से खरीदी है कि कितना निकालना? 23-24 किलो दूध कड्डू भी। 23-24 लीटर। और कितने दिन अभी आपने बताया था पड़े? 10 दिन। 10 दिन एक बार चलाकर दिखाइए जी। चलाकर दोस्तों भैंस आप लोगों को दिखाएंगे, क्वालिटी आप लोगों के सामने है। मुंह से 4 दांत है जी और दूसरे ब्यांत ब्याने में अभी 10 दिन पड़े हुए हैं जी। क्वालिटी आप लोगों के सामने है। हाइट वेट बहुत जबरदस्त है जी। ऑर्डर की अगर बात करें तो आप लोगों को देखकर भी आइडिया हो जाएगा, इस भैंस का ऐसा ऑर्डर है कि जैसे HF गाय का ऑर्डर होता है। घुमाकर बांध दीजिए भाई साहब। बिल्कुल जेड ब्लैक है जी, एक भी बाल इसका कोई सफ़ेद नहीं है। हाइट वेट से बहुत ही टॉप क्वालिटी की है। डिटेल आगे की भाई साहब से जानेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जी। आंचल का साइज गैप सब कुछ आप लोग देख सकते हो जी। सिकंदर की बेटी बता रहे हैं भाई साहब और आगे कोहिनूर का सीमन इसको लगा हुआ है जी। आंचल का साइज गैप देख सकते हो, फेस से क्वालिटी देख सकते हो। आइए भाई साहब, क्या दाम रखा गया सर इसका? मेरा 3 लाख रुपये जी। 3 लाख रुपये। मौके पर मान सम्मान होगा या फिक्स प्राइस ही रहेगा जी? मान सम्मान करेंगे जो जैसे कोई भाई आएगा दाम लगाएगा तो मान सम्मान उसमें हो जाएगा कि फिक्स प्राइस नहीं है जी? नहीं, दाम की अगर बात करें तो जैसे कुछ भाई कमेंट में बोलेंगे कि दाम ज़्यादा मांगा गया जी, लेकिन उसमें जैसे स्पष्ट आपने बता दिया कि ये डिमांड ही है, मौके पर हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसी स्पेशली भैंसों का ही काम करते हो या गाय भी आती रहती है? गाय भी होनी है। गाय कैसी कैसी क्वालिटी की मिल जाती है? चंगी मिल जाती है, अच्छी मिल जाती है। कितने की दूध वाली होती है अक्सर? 25-30 लीटर तक। 25-30 वाली मिल जाती है। एक बार फिर से अपना यहाँ का एड्रेस और फोन नंबर दोबारा बता दीजिए। पिंड रायपुरा, तहसील अबोहर, जिला फाजिलका, 9780805। ओके जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।